चार से चौदह आजादी के इतिहास में सबसे घोटालों का दशक रहा, सबसे घोटालों। वही 10 साल यूपीए के, वो 10 साल कश्मीर से कन्याकुमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत के हर कोने में आतंकवादी हमलों का सिलसिला चलता रहा। 10 साल हर नागरिक असुरक्षित था, चारों तरफ यही सूचना रहती थी कि कोई अनजानी चीज को हाथ मत लगाना, अनजानी चीज से दूर रहना, वही खबरें रहती थी। 10 साल में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक हिंसा ही हिंसा देश का शिकार हो गया था। उस 10 साल में भारत की आवाज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इतनी कमजोर थी कि दुनिया सुनने तक तैयार नहीं। आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी निराशा का कारण ये भी है, आज जब देश की क्षमता का परिचय हो रहा है, 140 करोड़ देशवासियों का सामर्थ्य खिल रहा है, खुल करके सामने आ रहा है, लेकिन देश का सामर्थ्य तो पहले भी था, लेकिन 4 से 14 तक इन्होंने वो अवसर गंवा दिया। आर यूपीए की पहचान, यूपीए की पहचान बन गई, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया, हर मौके को मुसीबत में पलट दिया। ऊर्जा का किसी भी देश के विकास में अपना एक महात्म्य होता है, और जब दुनिया में भारत की ऊर्जा शक्ति के उभार की दिशा में चर्चा की जरूरत थी, इस सदी के दूसरे दशक में हिंदुस्तान की चर्चा ब्लैकआउट के नाते हुई, पूरे विश्व में ब्लैकआउट के वो दिन चर्चा के केंद्र में आ गए, कोयला घोटाला चर्चा में आ गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, देश पर इतने आतंकी हमले हुए, 2008 के हमलों को कोई भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकवाद पर सीना तान कर आंख में आंख मिला करके हमले करने का सामर्थ्य नहीं था, उसे चुनौती को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, और उसके कारण आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते गए और पूरा देश 10 साल तक खून बहता रहा मेरे देश के निर्दोष लोगों का, वो दिन गए थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब एलएसी भारत के सामर्थ्य की ताकत का अवसर रहता था, उस समय डिफेंस डील को लेकर के हेलीकॉप्टर घोटाले और सत्ता को कंट्रोल करने वाले लोगों के नाम उसमें चिन्हित हो गए। आदरणीय अध्यक्ष जी, जब देश के लिए जरूरत थी और निराशा के मूल में चीजें पड़ी हुई है, सब उभर करके आ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, इस बात को हिंदुस्तान हर पल याद रखेगा कि 2014 के पहले का जो दशक था, द लॉस्ट डेकेड के रूप में जाना जाएगा, और इस बात को इनकार नहीं कर सकते कि 2030 का जो दशक है, ये इंडियाज डेकेड है, पूरे विश्व के लिए